दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए एचपीपीएससी के द्वारा जो क्लर्क का एग्जाम 28 अप्रैल 2019 को कराया गया है उसका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के द्वारा हल किया गया है, ठीक है। यदि कोई मिस्टेक्स हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पीएसडी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे हिमाचल से जुड़ी हर एक अपडेट मिल जाती है और जीके पे तमाम वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको पीएसडी पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन, फॉर रिसर्च इन विच एरिया हैज़ डॉक्टर उमेश भारती बीन अवार्डेड पद्मश्री इन 2019 रिपब्लिक डे, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रैबिज से। रैबिज पे इन्होंने रिसर्च की थी, ठीक है। तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था रिपब्लिक डे पे 2019 में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स या जीके क्वेश्चन जो भी है, मतलब ये आपके आने वाले एग्जाम में जो भी एचपी के एग्जाम है उन सभी एग्जाम में आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच विलेज हैज़ बीन चूजन बाय जेपी नड्डा अंडर सैंड सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद ग्राम योजना के तहत जेपी नड्डा जी ने कौन सा गांव गोद लिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, देहर इन सुंदरनगर ब्लॉक, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, इन द थर्ड फेज ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, अर्बन मिशन होगा ये, ठीक है। रूर्बन मतलब रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। रूर्बन मिशन 3 क्लस्टर हैव बीन एलोकेटेड टू एचपी ड्यूरिंग 2017-18, टू ऑफ देम आर मुरंग इन किन्नौर एंड घनाटी इन शिमला, विच इज द थर्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है थर्ड का वो है ऑप्शन सी, सिहुंटा इन चंबा। ये तीन क्लस्टर में शामिल किए गए थे इन तीन जगहों को, एक आपका किन्नौर का मुरंग हो गया और घनाटी हो गया शिमला का और सिहुंटा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत, ठीक है। तो ये आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज सेक्स रेशियो इन एचपी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 974, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में ही पूछ रहा है आजकल, विच डे ऑब्जर्व एज नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया, तो दोस्तों पांचवे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, 25 जनवरी, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज फाउंड बाय जॉर्ज फर्नांडिस इंडियाज फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, तो दोस्तों 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समता पार्टी। देखिए पहले बीजेपी में हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, लेकिन इन्होंने नई पार्टी का गठन किया है, ठीक है, समता पार्टी का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर विच वर्क वॉज हिंदी फिक्शन राइटर कृष्णा सोक्ती गिवन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1980, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सातवें का वो है ऑप्शन डी, जिंदगी नामा के लिए इन्हें 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कृष्णा सोक्ती को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज दाओस द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आठवें का वो है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में दावोस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ सिक्किज्म, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है नवे का वो है ऑप्शन डी, गुरु नानक देव, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जयंतिया ट्राइब्स मैनली फाउंड, तो दोस्तों दसवें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेघालय। देखिए दोस्तों ये जयंतिया की पहाड़ियाँ भी है, ये ट्राइब्स है, ठीक है, जनजाति भी रहती है और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी है मेघालय में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द ओलंपिक मोटो सिटस एलिटस फोर्टिस मीन्स, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ग्यारहवें का वो है ऑप्शन सी, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, तो दोस्तों श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी, तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नेपच्यून, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का आइडिया किस विदेशी संविधान से लिया गया है दुनिया के, भारत के द्वारा अपने संविधान में, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूएसए के संविधान से, ठीक है। इन ज्योग्राफी आइसोबार्स आर लाइंस ऑन ए मैप कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल, तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेशर जो दाब होता है ना उसको मिलाने वाली रेखा आइसोबार्स होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय प्राइमरीली ऑफ, तो दोस्तों जो 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कॉपर एंड टिन का, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, लैटिट्यूड्स आर लाइंस ऑन ए मैप और ग्लोब शोविंग द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको बता दें कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड रेखा होती है, तो आपको जैसे बता दें एग्जाम्पल के लिए ये आपका ग्लोब है, तो इसमें दो तरह की रेखाएं होती है, आपको पता होना चाहिए ग्लोब में, ठीक है,
तो आपको ये पता होना चाहिए लैटिट्यूड कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाली जो इधर को है ये होती है लैटिट्यूड, जो इधर को होती है ये होती है लॉन्गिट्यूड रेखा। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो अक्षांशीय रेखा ये इधर को होती है, ठीक है, ये वाली जो ग्लोब में, और जो ऊपर नीचे को होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ठीक है, जो हमारी देशांतर रेखा होती है जो समय बताती है, तो वो है आपकी देशांतर रेखा मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लैटिट्यूड्स आर लाइन्स ऑन मैप ग्लोब शोविंग द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस। देखिए दोस्तों, जो ये इक्वेटर होता है ना बीच में ग्लोब के, इक्वेटर में ये वाला जो ग्लोब है, अगर ये बीच में इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जब ऊपर को ये वाली रेखाएं खींची जाएगी तो ये नॉर्थ की साइड जा रही है, और अगर नीचे को इस तरह से दी जा रही है तो ये साउथ की ओर आ रही है। तो मतलब ये डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, किसकी, नॉर्थ और साउथ की साइड इक्वेटर से। ठीक है, तो ये कौन सी रेखाएं हैं, ये लैटिट्यूड रेखा के बारे में बात कर रहा है, जो इस तरह की होगी उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड रेखा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर ऑर्गेनिज्म विच फीड ओनली ऑन प्लांट्स कॉल्ड। तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर्बीवोरस। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में सही नहीं है, तो बता दूं आपको कि मेरी अंग्रेजी सच में ही सही नहीं है। ठीक है, तो मतलब जैसे आपका बहुत अच्छा फ्लो होगा बोलने का, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमोसफेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 78.03। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन स्पेस। तो दोस्तों 20वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूरी गागरिन थे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है 21। मिसेज अंजलि वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ, साउथ की ओर आई 5 किलोमीटर, और देन शी टर्न्स टू राइट द वॉक। तो ये जब राइट आई 4 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 किलोमीटर यहाँ से राइट चली, फिर ऊपर को यहाँ तक आ गई, ये इधर मिला लो। ठीक है, ये पूछ रही है कि यहाँ से यहाँ की सबसे मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने की, यहाँ पहुँचने की यहाँ से सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी होगी। तो दोस्तों इसका जो ये 4 ये वाला हो गया है ना, और ये यहाँ पे 3 बच गया क्योंकि ये 2 था, तो 4 चौके 16 और 3 किया 9, 16 और 9 25, तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देख इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21 का ऑप्शन डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 22, ये रीजनिंग के देख लीजिएगा आप सॉल्व करें, इसमें टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, 22 का डी है इसका राइट आंसर, और 23 का बी है इसका राइट आंसर, और 24 का राइट आंसर है सी, और अगर हम 25 की बात करें तो 25 का है बी, द वर्ड ब्लू इज रिलेटेड टू जोधपुर, देन द वर्ड पिंक इज रिलेटेड टू जयपुर। ठीक है, तो पिंक सिटी भी बोलते हैं जयपुर को जैसे कि। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। बाकी आपने ये देख लिया कि इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें हिंदी और अंग्रेजी ज़्यादा थी, जिनने हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से की होगी पहले तैयार, उनका सही से हो गया होगा, और मैंने सिलेबस में भी बताया था इसका सिलेबस जब ये इसकी रिक्रूटमेंट निकली थी क्लरिकल की। ठीक है, तो देखते हैं 26 आई डैश डैश माई असाइनमेंट बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 26 का वो है ऑप्शन डी, हैड सबमिटेड, आई हैड सबमिटेड माई असाइनमेंट बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस। ठीक है, 27 देखते हैं, द इंस्ट्रक्शंस आर डैश डैश क्लियर। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द इंस्ट्रक्शन आर क्वाइट क्लियर, एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो मैनी 28 देखते हैं, मैनी ए डैश डैश द गेम बट फेड। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैनी ए मैन ट्राइड द गेम बट फेड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, डैश डैश ए ब्लू पेन आई हैव 2 पेंसिल्स। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिसाइड्स ए ब्लू पेन आई हैव 2 पेंसिल्स। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द वर्कर्स डैश डैश पनिश्ड बाय द मैनेजर। तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हैज़ बीन, वन ऑफ द वर्कर्स हैज़ बीन पनिश्ड बाय द मैनेजर। ठीक है, आई थिंक आई डैश डैश हर लास्ट संडे। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आई आई सो। ठीक है, आई थिंक आई सो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही गेव डैश डैश। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मी सम एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइस। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, द टीचर टोल्ड दैम। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू कीप क्वाइट, द टीचर टोल्ड दैम टू कीप क्वाइट। तो देखते हैं ये तो जो आगे हैं ये पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन बता आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली, जिनका एग्जाम था वो मिला लेंगे अपना ये क्वेश्चन पेपर। 34 का दोस्तों राइट आंसर है ए, मोस्ट फ्राइटनिंग, और 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 45, और 36 का जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद, और 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टेस्टलेस डाइट, मल न्यूट्रिशन डज नॉट मीन टेस्टलेस डाइट। तो ये अब ये अपोजिट ऑफ इनएक्सपेंसिव। तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लविश, इनएक्सपेंसिव मतलब मतलब महंगा नहीं है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है, तो इस तरह से भी कह सकते हैं, और लविश का मतलब ज़्यादा खर्चीला, न्यूट्रिशियस डाइट डज नॉट मीन। तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक पिल्स। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन,
सेंटेंस ईच, थ्री सेंटेंस इन ईच क्वेश्चन हैव सम एरर, पिक द करेक्ट वन। तो दोस्तों आपको इनमें से एक कोई करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ये 40 से 43 तक प्रश्न दिए गए हैं, तो 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। ठीक है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, बाकी के गलत हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, अगले में भी इसी तरह से चूज करना है। तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आई विल टेल यू व्हाट माई नेम इज। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इफ आई हैड ए मैजिक वांड आई वुड फाइंड द सोल्यूशन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 43, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिस्टर सिंह इज टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन 44 से 47, इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस पिक करना है। ठीक है, जो गलत होगा उसको छांटना है आपको। तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शी हैड बीन, बीन दिया है कि जो भी है, तो ऑप्शन बी इसका रॉन्ग है। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट है, बाकी के सभी करेक्ट है। तो इसी तरह से 45, तो दोस्तों 45 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बाकी सारे के करेक्ट है, ये एक इनकरेक्ट है इन चार में से। ठीक है, तो 46 देख लो, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो 46 का जो आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन डी, इफ़ ही आस्क मी आई विल हेल्प हिम। तो ये इनकरेक्ट है। तो 47 देख लेते हैं, 47 का है ए इनकरेक्ट, बाकी सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। तो आपको एक सिनोनिम्स टाइप हो गया है, मतलब बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो दिया गया है इसका मतलब सही एक्सप्रेशन, मतलब जो भी सही सिनोनिम्स टाइप होगा उसका, जैसे टेंटेटिव का सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों जो 48 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनश्योर। ठीक है, तो अनश्योर इसलिए क्योंकि टेंटेटिव का मतलब होता है, जैसे हम एग्जाम ही होता है हमारा, तो टेंटेटिव बोलते हैं, तो वो कई बार चेंज भी हो जाता है, तो अनश्योर मतलब वो उसका कोई फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से 49 कोलेटरल। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 50, फ्रगल। तो दोस्तों 50 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, थ्रिफ्टी। ठीक है, शाय 51 का, तो दोस्तों 51 का भी है ऑप्शन डी, रेटिसेंट। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, तो इसमें आपको अपोजिट बोलना है। तो 52 रिबक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 52 का वो है ऑप्शन बी, 52 का है ऑप्शन बी, एडमायर। ठीक है, और इसी तरह से 53 का चेरिश का, तो दोस्तों 53 का है ऑप्शन ए, कंडेम। ठीक है, तो इसी तरह से ओबियस 54 का है ऑप्शन सी, ऑब्सक्योर। ठीक है, ओबियस का ऑब्सक्योर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 55, तो 55 रिडंडेंट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 55 का वो है ऑप्शन बी, करंट। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दूं, जो ये इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन है ना, ये आपके पुलिस के एग्जाम में काम जरूर आने वाले हैं, पुलिस के फॉरेस्ट गार्ड में भी अगर इंग्लिश और हिंदी आ जाता है तो आपके जरूर काम आएंगे, यहाँ तक कि जीके के भी आ सकते हैं काम, आ सकते हैं क्या, आते ही है क्वेश्चन, इधर से उधर आते ही है। आपका हाईकोर्ट का प्रोसेस सर्वर का एग्जाम भी होगा, उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, अल्प प्राण का उदाहरण है, तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर है इसमें हिंदी सबसे ज़्यादा पूछी गई है, जिसने हिंदी तैयार की होगी उसका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अल्प प्राण और महाप्राण दो चीज़ें होती है हिंदी व्याकरण में, तो ये बाकी के जो दिए गए हैं ये महाप्राण है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी कि अल्प प्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण करने में कम जोर लगता है, जैसे दो ध, ऐसे को ख, ख में ज़्यादा जोर पड़ रहा है, क में कम पड़ रहा है, इसी तरह से अल्प प्राण महाप्राण जो होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे जो भी होता है आपका क ख ग घ ग, तो इसका ये भी अल्प प्राण होता है, ये भी अल्प प्राण होता है, क ख जोर लगा, ग घ इसमें भी जोर लगा, ग इसमें भी नहीं जोर लगा, तो पहला दूसरा और पांचवा आपका हमेशा अल्प प्राण होता है, इस ये सीरीज पूरी चलते जाएगी नीचे कचट तक पे। ठीक है, चौ में भी इसी तरह से, छौ में भी, जौ में भी, झौ में भी, ठीक है, कचट चौ टौ में भी, तौ में भी और पौ में भी, सारे वर्ग में ये होगा अल्प प्राण और महाप्राण, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो बाकी हिंदी व्याकरण के अगर वीडियो देखने होंगे तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हिंदी व्याकरण के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो डाले भी थे तो आप लोगों को उतना मतलब पढ़ने में लगता नहीं कि हिंदी आती भी है कहीं, क्योंकि अब तो SSC ने भी अपना हिंदी के कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन कम से कम कर ही लिए, बाकी जो भी एग्जाम दे दो, आप JEE का एग्जाम दे दो, जो भी मर्जी दे दो, हर जगह आपको हिंदी व्याकरण का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से 57 का जो दोस्तों राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आधा को पेट कटा शो का आधा प्लस ऑफ, तो मतलब इसके संयोग से बनता है ये। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यौवन। ठीक है, यौवन से कौन सा भाव निकलता है, तो यौवन। ठीक है, तो क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा में आता है, ये कलेक्टिव है, क्रांतिकारी बहुत सारे होते हैं, मतलब एक जाति टाइप की हो गए क्रांतिकारियों की। ठीक है, तो इसी तरह से 60 का कवि का स्त्रीलिंग है, तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कवियत्री। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, का के की परसर का किस कारक के साथ होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से
मतलब ये किसके साथ प्रयोग होता है, किस कारक के साथ? तो दोस्तों 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संबंध का के उसके पिताजी, उसका थर्मस, उसकी उसकी माताजी, मतलब किसी के साथ उसका संबंध हो रहा है, संबंध कारक में होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, से परसर्ग का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आपादान से, अलग होने के लिए। मतलब आपादान, आपादान का मतलब आपादान में से होता है, से, जैसे आप शिमला से दिल्ली गए तो मतलब शिमला, शिमला से आप हट गए, तो ये आपादान कारक है। तो से जो यहाँ आ रहा है ये आपादान के लिए प्रयोग होता है, आपादान कारक के लिए। ठीक है, इसी तरह से 63, वृक्ष पर कोयल बैठी है रेखांकित वाक्यांश में कारक बताइए। तो दोस्तों जो 63 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अधिकरण में, वृक्ष पर, मैं पेपर, मैं पर, मैं और पर हमेशा किसके लिए यूज होता है, अधिकरण कारक के लिए। जैसे मतलब वृक्ष, कोयल कहाँ पर बैठी है, वृक्ष पर बैठी है। ठीक है, पर मतलब किसका सहारा ले रहा है, कोई चीज़ किसके द्वारा कर रहा है, तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक मतलब जो एक माध्यम है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 64, हम किस प्रकार का सर्वनाम है, हम? तो दोस्तों 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रसोई और गैस, सॉरी 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निजवाचक का, स्वयं, निज मतलब खुद की बात कर रहे हो ना आप, निज, निजी। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम है। तो 66, रसोई घर समस्त पद का विग्रह है। तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रसोई के लिए घर, यह है आपका समास। ठीक है, तो समास विग्रह, मतलब वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना होगा हिंदी व्याकरण तो कमेंट करना, बाकी मैं तभी शुरू करूंगा, क्योंकि मैं, क्योंकि आपको पता है आपके एचपी पुलिस के एग्जाम में भी 16 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे, और अगर आप फॉरेस्ट का मान के चलिए, अगर नॉन यूनिवर्सिटी ने अगर क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया तो एचपी पुलिस की तरह क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, क्योंकि दो दो या दो तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाने की संभावना रहती है एचपी फॉरेस्ट गार्ड की भी। कई बार होता है कि साइंस बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें बराबर पूछ लेता है, हिंदी भी इंग्लिश भी, साइंस तो मतलब इंक्लूड कर देता है विद मैथ के साथ। ठीक है, तो मतलब इसलिए हिंदी को मतलब इग्नोर मत कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर शुरू करना है क्लासेस तो। ठीक है, तो कम से कम जब ग्रुप में ही बता दीजिएगा कि शुरू करें हिंदी या नहीं करें। तो 67, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्विगु समास में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 68, कर्मधारय समास के दोनों पदों में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, विशेष, विशेषण और विशेष्य, और उपागम, उपमान और उपमेय। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 69, यथाशक्ति समस्त पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों 69 में, 69 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज मैंने अधिक संतरे खा लिए रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों 70 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, परिणाम, परिमाण वाचक अनिश्चित। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकारक है? तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गुणवाचक। ठीक है, तो क्योंकि प्रेमचंद जी का गुण की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेमचंद जी हिंदी के श्रेष्ठ मतलब उनके गुण है, श्रेष्ठ कहानीकार हैं। ठीक है, शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सन्यासी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सन्यासी, ठीक है, अंक की भी आती है, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों 73 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, परिमाणवाचक। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 74, वे लड़के दिन भर उधम मचाते रहे क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कालवचक। देखो दिन भर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो काल का मतलब समय से ही होता है। ठीक है, तो दिन भर उधम मचाते रहे, दिन भर कालवचक की बात हो रही है। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन बी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कारावास का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जो राइट आंसर है 75 का वह है ऑप्शन सी, कारा प्लस आवास, आ प्लस आ भी आ ही होता है। ठीक है, कारा आवास। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये स्वर संधि है। ठीक है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों 76 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, परि प्लस आवरण। ई और आ का हमेशा क्या बनता है, यौ बनता है। ठीक है, पर्या यौ, यौ अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, ये स्वर संधि का एक भेद है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 77, अगर पढ़ना होगा आपको हिंदी तो बता दीजिएगा, बाकी ज़्यादा डिटेल से इसमें नहीं बताऊंगा। घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लज्जित होना। ठीक है, घड़ों पानी पढ़ना, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों 78 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चुगली करना। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन,
भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती है तब सभी झूम उठते हैं। तो दोस्तों इसका इस वाक्य में उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों 79 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर, ये बताने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 79 देख लिया, 80 देखते हैं। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, वाक्य में विदेह है। तो दोस्तों 80 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लंका में आग लगा दी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाथी का पर्यायवाची नहीं है? हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, क्या पूछ रहा है? हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ना कि ये पूछ रहा है कि हाथी का पर्यायवाची कौन सा है। तो दोस्तों 81 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सारंग। ठीक है, बाकी मतंग भी है, गज भी है, कुंजर भी है। देखिए इसका जल्दबाजी में कुछ लोगों ने आंसर लगाया होगा, क्योंकि उन्होंने लगाया होगा कि हाथी का पर्यायवाची है, तो उन्होंने सीधा लगा दिया गज, क्योंकि बाकी के जो भी पर्यायवाची है मतंग और कुंजर ये कम शमी सुने होंगे हाथी के बारे में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 82, विवाद में मौन रहना भी ठीक है, रेखांकित पद का विलोम है, मौन का विलोम क्या होगा? दोस्तों तो 82 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मुखर। देखिए वाचाल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलने की बात होगी, बहुत ज़्यादा जो बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, लेकिन यहाँ पे मौन मतलब चुप रहा, मुखर मतलब बोल रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अधि। ठीक है, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, ये भी ध्यान देना होता है। 84, वाह कैसा सुंदर दृश्य है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो दोस्तों 84 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विस्मयवाचक। ठीक है, विस्मयवाचक चिन्ह भी लगा इसमें, उसकी चोरी पकड़ी गई। 85, रेखांकित वाक्यांश में क्रिया प्रकार बताइए। तो दोस्तों 85 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए PSD के साथ।